बच्चों, हमने बात की थी द्वितीयक व्यवसायों के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग पर। तो विनिर्माण उद्योग जो है वो पूरे, हम बात कर लें विश्व में या महाद्वीप में, यदि हम पृथ्वी पर देखें 29% हिस्से पर स्थल भाग का विस्तार है, जिसमें अलग अलग महाद्वीप जो है वो फैले हुए हैं। और इन महाद्वीपों पर भी हम देखेंगे तो जो खनिज की उपलब्धता है वो सभी जगह एक समान नहीं है, और खनिज की उपलब्धता के आधार पर जो इससे संबंधित उद्योग हैं वो भी हमें अलग अलग जगह जो हैं वो अलग अलग मात्रा में फैले हुए मिलते हैं। तो इनकी मात्रा में या इनके वर्गीकरण में जो इतनी भिन्नता देखने को मिलती है वो किस कारण से है? ऐसे तो हम बात करें तो विनिर्माण उद्योग जो है वो यदि हम इसका वर्गीकरण करें तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं, स्वामित्व पर आधारित उद्योग हैं, या उत्पाद के आधार पर उद्योग का विभाजन किया जाता है। तो ये जितने भी विभाजन हम उद्योग के करें तो सभी जगह हमें, पूरे उद्योग की भी हम बात करें तो पूरे विश्व में इसका असमान वितरण देखने को मिलता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण पर। तो जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि इसे अलग अलग आधारों पर विभाजित किया गया है, जैसे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योग हम देखेंगे तो कुछ कुटीर या घरेलू उद्योग, फिर छोटे पैमाने के उद्योग, और उसके बाद वृहद पैमाने के उद्योग। तो ये आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हो गया। फिर हम देखते हैं कच्चे माल के आधार पर। तो कोई भी उद्योग जो है उसमें कोई ना कोई कच्चा माल जो है वो इस्तेमाल किया ही जाता है, तो जो कच्चा माल उसमें उपयोग किया जा रहा है उसके आधार पर, वो कच्चा माल कहाँ से आ रहा है इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो हमें, हम जो अलग अलग प्रकार के उद्योग देखते हैं तो उसमें अलग अलग कच्चे माल उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे हम शक्कर उद्योग की बात करें तो शक्कर उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो आपका गन्ना है, और ये गन्ना कहाँ से मिलता है? कृषि से। सूती वस्त्र उद्योग की बात कर लें, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कपास कच्चा माल है, प्रमुख कच्चा माल है इसका, ये भी हमें कृषि से मिलता है। तो कच्चे माल के आधार पर हम देखते हैं इसका वर्गीकरण, कृषि पर आधारित उद्योग, फिर खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग मतलब जैसे तांबा उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, ये सब जो है वो खनिज पर आधारित उद्योग हैं। इसके बाद तीसरा वर्गीकरण है रसायन आधारित उद्योग, फिर वन आधारित उद्योग। ऐसे कच्चे माल जो वन से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम वन आधारित उद्योग कहते हैं। और उसके बाद फिर है पशु आधारित उद्योग, मतलब जिनके लिए कच्चा माल पशुओं से प्राप्त किया जाता है। जैसे हम बात कर लें चमड़ा उद्योग, या ऊन से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, जिनका ऊन के लिए जो फर जो है वो हमें भेड़ों से प्राप्त होती है, तो उन पर आधारित जो उद्योग हैं वो पशु आधारित उद्योग हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो उत्पाद के आधार पर उद्योगों के मुख्य रूप से दो वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है मूलभूत या आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके जो और बाकी भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं, इन सभी उद्योगों के लिए जो आधार का काम, बेस का काम जो है वो ये आधारभूत उद्योग के ही माध्यम से होता है। जैसे मूलभूत आधारभूत उद्योग है आपका लौह इस्पात उद्योग, और लौह इस्पात उद्योग जो है वहाँ पर एक सुई से लेकर हम कहें कि बड़ी बड़ी वायुयान की जो मशीनें बनाई जाती हैं उन सभी के लिए इस्पात के रूप में कच्चा माल यहाँ से मिलता है। तो मशीन जो भी प्रयोग किए जाएंगे किसी भी प्रकार के उद्योग में, तो वो तो उस उद्योग का आधार होते हैं, जो कि बिना लौह इस्पात उद्योग के संभव नहीं है। तो हम पहला देखते हैं मूलभूत या आधारभूत उद्योग, और दूसरा है इसमें उपभोक्ता उद्योग। फिर
इसी क्रम में हम देखते हैं नेक्स्ट या अंतिम जो वर्गीकरण है ये स्वामित्व के आधार पर, भाई किसी उद्योग में किसका स्वामित्व है ना, तो उसके आधार पर इसके तीन वर्गीकरण किए जाते हैं। पहला है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो शासन के द्वारा चलाए जाते हैं या जिनकी बागडोर जो है वो शासन के हाथों में होती है। दूसरा है आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और तीसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग मतलब जिस उद्योग का की जो व्यवस्था है उसका कार्य शासन के द्वारा भी और किसी निजी हाथों दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, मिले जुले रूप में। और निजी उद्योग का अर्थ होता है कि निजी उद्योग जो होते हैं वो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये हो गया उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम एक नज़र में देख लिए कि उद्योगों के वर्गीकरण जो हैं वो उसके आधार कौन कौन से थे। अब हर एक आधार पर हम विस्तृत रूप में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आकार के आधार पर उद्योगों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं कुटीर उद्योग। बच्चों, कुटीर उद्योग जो होते हैं उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो गाँवों में किसान रहते हैं उनको एक प्रकार से खाली समय में कोई कार्य या रोजगार मिल जाता है कुटीर उद्योगों के माध्यम से। जैसे वो कृषि का कार्य कर रहे हैं और उस कृषि कार्य के बाद जो वो कुछ महीने 4 से 6 महीने उनके पास खाली समय बच जाता है, अगर किसी क्षेत्र में एक फसली कृषि की जाती है तो शेष समय जो है मतलब एक सीजन की कृषि के दौरान वो कृषक जो हैं किसान जो हैं वो खाली हो जाते हैं। तो कुटीर उद्योग के माध्यम से उस खाली समय का वो उपयोग करके अपने ये अवसर उनके पास होता है कि वो उनको रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए और उस काम के माध्यम से वो अपने लिए कुछ इनकम या आय जुटा सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कुटीर उद्योग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये उद्योग जो है ये उद्योग की सबसे छोटी इकाई होती है। हम कह सकते हैं कि आकार के आधार पर जो तीन उद्योग हैं उसकी सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग होती है। अब साथ ही साथ ये जो उद्योग हैं ये किसी बाहरी क्षेत्र में या बहुत बड़े क्षेत्र की भूमि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये उद्योग किसी एक परिवार के सदस्य या अलग अलग सदस्यों के समूह के द्वारा एक ही परिवार के लोगों के द्वारा ये उद्योग जो है वो स्थापित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि इस उद्योग में जो कृषक होते हैं या हम कृषक भी अपना कुटीर उद्योग का कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो कर्मचारी हैं, चूँकि हमने कहा कि ये एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, कोई एक सदस्य हो सकता है या फिर उस परिवार के कई सदस्य इस कार्य में लगे हो सकते हैं, तो ये कार्य जो है वो घर पर ही किया जाता है, इसके लिए अलग से किसी स्थान की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती। और चूँकि ये पारिवारिक स्तर पर छोटे स्तर पर किया जाता है इसलिए हम ये देखेंगे कि इसमें बहुत कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, किसी स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती और साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये उद्योग जो है वो बहुत ही छोटे आकार में या छोटे स्तर पर इसमें उत्पादन का कार्य किया जाता है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि चूँकि छोटे स्तर पर किया जा रहा है तो इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता तो होती ही नहीं है, और दूसरी चीज़ बहुत हम कहें कि एडवांस टेक्नोलॉजी या उन्नत तकनीकों मशीनों का औजारों का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, ये परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है और इसमें परंपरागत तरीके से जो उत्पादन होता है या परंपरागत तरीकों को अपनाया जाता है उत्पादन के लिए। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो वस्तुओं का उत्पादन होता है तो हम इसमें
कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो उत्पादन कार्य होते हैं उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, जैसे हम देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन, गर्मियों के मौसम में जो आप घड़े उपयोग करते हैं वो भी एक कुटीर उद्योग का ही उदाहरण है, क्योंकि वो किसी गांव में एक जो कुम्हार परिवार होता है उस कुम्हार परिवार के द्वारा ही वो घड़ा जो है या मटका बनाया जाता है। तो हम इसी उदाहरण में और ले लेते हैं, जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी और मिट्टी के जो अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, लोहार जो लोहे के छोटे छोटे औजार या उपकरण बनाते हैं ये भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, और इसमें हम ले सकते हैं मोची जो जूतों को सुधारने का, जूते चप्पल सुधारने का कार्य या छोटे स्तर पर बनाने का कार्य करते हैं, ये सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत बनाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, चाहे छोटे छोटे खाद्य पदार्थ, जैसे घर पर ही कई परिवार जो हैं वो अचार है, पापड़ है, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ या वस्तुएं बनाने का कार्य करते हैं, ये कुटीर उद्योग के ही उदाहरण हैं। इसके साथ ही जो छोटे स्तर पर फर्नीचर बनाए जाते हैं या बर्तन, औजार और कागज, ये सभी जो हैं ये आपके कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं लघु उद्योगों पर। तो लघु उद्योग की एक विशेषता हम ये देखते हैं कि ये कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़े पैमाने का उद्योग होता है, क्योंकि जब हमने कुटीर उद्योग की बात की तो हमने देखा कि इसमें तो एक परिवार या परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो उस उत्पादन कार्य में लगे होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो श्रमिक का कार्य है वो भी वो खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, और उस उत्पादन के मालिक भी वो होते हैं कि कितनी मात्रा में और किस दर पर उसे बेचना है। लेकिन लघु उद्योग में चूंकि ये इससे थोड़ा वृहद स्तर का उद्योग हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो मालिक है उस उद्योग को लगाने वाला एक अलग व्यक्ति होता है, और वो अपने उत्पादन के लिए, उत्पादन करने के लिए कुछ स्किल्ड लोगों को या सेमी स्किल्ड हम कह सकते हैं श्रमिकों को वो उत्पादन कार्य में लगाता है। तो चूंकि ये थोड़ा सा उससे बड़े पैमाने का हो गया, तो नेचुरली है कि कुटीर उद्योग की अपेक्षा इसमें पूंजी की थोड़ी अधिक आवश्यकता होती ही है, क्योंकि मालिक एक और है और वो उत्पादन का कार्य जो है वो कुछ अन्य लोगों से करा रहा है, तो उसे सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। और चूंकि कुटीर उद्योग में हमने देखा कि वो एक घर के अंदर ही उत्पादन का कार्य हो रहा है, और ये इसके लिए एक अलग जगह या स्थान की आवश्यकता होगी, तो जिस भूमि पर ये उद्योग लगाया गया है उसके लिए भी किसी को इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी पूंजी की आवश्यकता जो है वो कुटीर उद्योग से इससे अधिक होती है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो कच्चा माल उपयोग किया जाता है वो या तो स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध हो सकता है, और साथ ही साथ यदि वो कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है तो आसपास जो स्थित स्थान है जहाँ पर से वो कच्चा माल मिल जा रहा है वहाँ से उसे मंगा लिया जाता है। और एक और इसकी विशेषता है कि जो उत्पादन कार्य इसमें किया जा रहा है या उत्पादन से जो वस्तुएं इसमें निर्मित की जा रही हैं वो स्थानीय बाजार पर तो खपाई ही जाती हैं, और साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर इनकी डिमांड होती है उन बाजारों तक भी इसे बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे आप बच्चों के खिलौने तो देखते ही हैं, है ना, तो ये बच्चों के खिलौने हो गए अलग अलग प्रकार के, जो कागज़ के सामान हैं, मिट्टी के बर्तन जो थोड़ा वृहद स्तर पर जब उसका उत्पादन कार्य किया जा रहा है स्थानीय बाजार के अतिरिक्त और बाहरी बाजार में बेचने के लिए, तो इसका स्तर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। साथ ही साथ हम देखेंगे चमड़े के सामान और जो फर्नीचर आदि बनाने के उद्योग होते हैं ये सभी आपके लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा हम आकार के आधार पर देखते हैं वृहद उद्योग। अब आकार के आधार पर तीसरा वर्गीकरण है वृहद उद्योग। बच्चों हमको नाम से ही पता चल रहा है
कि वृहद उद्योग या जो बड़े स्तर के उद्योग होते हैं उनमें उत्पादन का कार्य या जो सामान उत्पादित किया जाता है वो बहुत बड़े या वृहद स्तर पर उसका उत्पादन होता है। अब चूंकि हम वृहद स्तर पर ही बोल रहे हैं तो नेचुरली है कि ये जो उत्पादन होता है वो स्थानीय बाजार के साथ साथ अंतर्देशीय बाजार की हम बात कर सकते हैं, जैसे देश के अंदर इसका निर्यात होगा और इसके साथ ही साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन वस्तुओं या सामान का आयात और निर्यात जो है वो किया जाता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये वृहद स्तर के उद्योग होते हैं। अब इसमें जो उत्पादन के लिए कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी देश के अंदर ही वो कच्चा माल जो है वो उपलब्ध हो जाए, स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाए। इसमें कच्चा माल जो है वो दूर स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देश स्थित होते हैं जहाँ पर भी ये अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं वहाँ से इन कच्चे मालों का आयात किया जाता है। अब चूंकि इतने वृहद स्तर पर उत्पादन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से उत्पादन किया जा रहा है, तो नेचुरली है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये पूंजी जो है वो हम कुछ हजार लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ करोड़ से लेकर कई हजार करोड़ तक रुपयों की आवश्यकता होती है। अब चूंकि इतने वृहद स्तर पर उत्पादन का कार्य होगा तो ये भी नेचुरली है कि इसमें बहुत ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कई लाख श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और ये श्रमिक सामान्य नहीं होंगे, इसमें ये कोशिश की जाती है कि जो स्किल्ड या कुशल श्रमिक जो हैं वो ही कार्य करें। और जो श्रमिक हैं उनके स्किल्ड होने के साथ ही साथ इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सस्ते कुशल और सस्ते कुशल के साथ साथ सस्ते श्रमिक भी उन्हें उपलब्ध हो जाएं। अब उत्पादन जो किया जा रहा है चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से हो रहा है तो प्रतिस्पर्धा भी होगी, तो इस प्रतिस्पर्धा के कारण ये देखा जाता है कि जो सामान या उत्पाद जो तैयार किया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी बेस्ट हो, है ना। इसलिए गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और इसीलिए हमने स्किल्ड श्रमिकों की भी बात की। तो गुणवत्ता के साथ साथ हम ये कहें कि क्वांटिटी मात्रा भी जो होती है वो बहुत वृहद स्तर पर उत्पादन का कार्य इसमें होता है। अब चूंकि हाथ से या जो परंपरागत तरीके से जो उत्पादन कार्य किया जाता है उससे तो बात नहीं बनेगी, इसीलिए इसमें जो टेक्नोलॉजी या हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, मशीनों की उपकरणों की बात करते हैं, तो ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें इस प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। और जितना भी जो माल सामान उत्पादित किया जाता है उन्हें दूसरे देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाता है और वहाँ से कुछ सामान जो है वो आयात भी किए जाते हैं। अब इसमें किस प्रकार के उद्योग आएंगे, तो जैसे हम बात कर लें सूती वस्त्र उद्योग की, सीमेंट उद्योग की, लौह इस्पात उद्योग हो गया या पेट्रो रसायन उद्योग हो गया, ये प्रमुख उद्योग हैं वृहद स्तर के उद्योग के। इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि जो हम वृहद स्तर के उद्योग कह रहे हैं ये विशेषता होती है जितने भी विश्व में विकसित देश हमें स्थित देखने को मिलते हैं, इनके विकसित होने का डेवलप्ड होने का एक मेन रीज़न ही है कि यहाँ पर इतने वृहद उद्योगों की जो संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। इसी में हम थोड़ी एक और चीज़ देख लेते हैं, जो हमने आकार के आधार पर सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग की बात की थी, ये कुटीर उद्योग जो है ये तो अब इस विकसित देशों से हम कह सकते हैं कि लगभग समाप्त प्राय हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, इनका कोई रोल नहीं है विकसित देशों में, वहाँ सिर्फ हमें वृहद उद्योग ही जो है वो मेनली देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ ही हमने जो लघु उद्योगों की बात की थी तो ये जो लघु उद्योग हैं ये मुख्य रूप से हम जब विश्व स्तर पर देखें तो जितने भी विकासशील देश हैं उनकी विशेषता होती है लघु उद्योग, मतलब वहाँ पर हमें लघु उद्योगों की संख्या अधिक देखने को मिलती है।
और वृहद उद्योगों में हम ये भी देखेंगे कि ये जब उन्हें कोई सामान बनाना है तो वो जरूरी नहीं है कि अपने ही स्तर पर उस सामान का निर्माण करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो अलग अलग देशों से या अलग अलग जो लघु उद्योग हैं उनसे वो सामान आयात करते हैं और सबको एक साथ असेंबल करके उसमें अपना ब्रांड चिपका कर वो अपने उद्योग के या अपने नाम पर उस वस्तु को बेचते हैं। और हम सभी को पता है आजकल तो ब्रांड का चलन है, चाहे हम जूते चप्पल की बात करें या कपड़ों की बात करें, इवन जो खाने या खाद्य पदार्थ की जो भी चीज़ों की बात करें या मशीनी उपकरण हमारे, आप जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या आप जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं, ये सभी जो हैं हम एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात करते हैं कि अक्सर सुनने में या हम ये चर्चा भी करते हैं कि ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, इस ब्रांड का ये क्वालिटी है, इस ब्रांड की ये क्वालिटी है। तो ब्रांड शब्द ही है जो आपके वो उसके द्वारा, उस कंपनी के द्वारा जो सामान निर्मित किया जाता है उसे बड़े पैमाने पर बेचने के लिए ये सफिशिएंट कॉज हम कह सकते हैं, सफिशिएंट कारण कह सकते हैं जिसके नाम पर वो वस्तु जो है वो बिकती है। अब देखते हैं हम उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका दूसरा आधार कच्चा माल। कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। भाई जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उस उद्योग के लिए पर्टिकुलर जो मुख्य कच्चा माल है वो अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया जाता है। जैसे हम चावल उद्योग की बात करें या चावल मिल की बात करें तो वो कृषि से संबंधित है, क्योंकि जो धान है वो आपको कृषि उत्पाद से मिलता है। फिर हम बात कर लें वन पर आधारित उद्योग की, तो जैसे बीड़ी उद्योग है तो उसके लिए तेंदुपत्ता आपको वनों से प्राप्त होता है। फिर खनिज आधारित उद्योग, जैसे हम लौह इस्पात उद्योग की बात कर लें या एल्यूमिनियम उद्योग की बात कर लें, तो इन सभी के लिए कच्चा माल जो है वो खनिज पर आधारित होता है। ठीक इसी प्रकार कुछ जो कच्चे माल के आधार पर इसके विभाजन किए गए हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि पर आधारित उद्योग, फिर है आपका खनिज पर आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, फिर पशु आधारित उद्योग और वन उत्पाद से संबंधित उद्योग। तो हम इन सभी आधारों पर एक एक करके विस्तृत रूप से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। हालांकि कृषि जो है वो एक प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिन्हें कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है और जो कृषि भूमि होती है उस पर बहुत सारे उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि हम बात कर लें गेहूं, गेहूं तो आपका एक प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि से संबंधित है, लेकिन जो मैदा या सूजी उद्योग हम देखते हैं तो उसके लिए कच्चा माल हमें गेहूं जो है कृषि से ही प्राप्त होता है। फिर हम देखें जो चीनी उद्योग, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ना, ये भी हमें कृषि से ही प्राप्त किया जाता है। फिर तेल उद्योग अलग अलग प्रकार के, फिर हम चाहे देखें मूंगफली से संबंधित या मूंगफली से निर्मित जो तेल होता है, मूंगफली तेल या सोयाबीन तेल या सूर्यमुखी का सनफ्लावर ऑयल, ऐसे तेल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और ये सभी तेल जो हैं या जिस उद्योग में ये तेल बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड जो कच्चा माल है वो आपके अलग अलग तिलहन फसलें, कृषि के अंतर्गत जो तिलहन फसलें होती हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। ये जो कृषि पर आधारभूत, कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं इनका बहुत अधिक विशेष महत्व है, क्योंकि इससे क्या होता है जो कृषि क्षेत्र होता है उसका और अधिक व्यवसायीकरण हो जाता है या हम कहें कि उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि कृषि से भी ज़्यादा एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि हम एक एकड़ क्षेत्रफल पर कृषि का कार्य करें तो उसमें किसी एक ही परिवार के सदस्य का लाभ होगा, लेकिन यदि हम उसी क्षेत्र पर एक छोटा उद्योग स्थापित कर लें
तो वो बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है। तो इसीलिए कृषि क्षेत्र का महत्व इससे और अधिक बढ़ जाता है और ये कई लाख लोगों को रोजगार जो है वो प्रदान करता है। हाँ, कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उनकी हम बात करें तो ये देखेंगे कि अधिकतर जो इस पर आधारित उद्योग हैं वो उसके कच्चे माल के आसपास ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि भारत का जो जूट उद्योग है ये पश्चिम बंगाल में स्थापित है, और चूंकि पश्चिम बंगाल हमें पता है कि जूट के उत्पादन के लिए विश्व में इसका पहला स्थान है, और जितने भी जूट उद्योग जो हैं या पटसन उद्योग जो हैं वो वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल के तट पर ही स्थित हैं। तो ये हो गया कृषि पर आधारित उद्योग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं खनिज आधारित उद्योग। बच्चों, हमें पता है कि खनिज जिसे हम खनन कार्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, हम हमारे भूगर्भ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कीमती खनिज और धातुएं जो हैं वो उपस्थित हैं, जिन्हें हम खनन कार्य और ये खनन क्रिया भी जो है वो प्राथमिक व्यवसाय का एक अंग है, जिसके बारे में हम पिछले समय ही चर्चा कर चुके हैं। और इस खनन कार्य के द्वारा ये जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं, इन अलग अलग खनिजों पर अलग अलग प्रकार के उद्योग जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं। अब हम खनिज आधारित उद्योग की भी बात करेंगे, जिसमें खनिज जो है वो मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। तो हमें पता है कि खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो धात्विक खनिज होता है, जिसमें धातु का अंश मिलता है, और दूसरा जो है वो अधात्विक खनिज, जिसमें किसी भी प्रकार के धातु का अंश नहीं मिलता। अब धात्विक खनिज की भी हम बात करेंगे तो जिन खनिजों में लोहे का अंश मिलता है तो लौह धात्विक खनिज, और जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं मिलता उसे अलौह धात्विक खनिज हम कहते हैं। तो बात कर लें धात्विक खनिज की या धात्विक खनिज पर आधारित उद्योग की, तो इसमें भी जैसे लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग में तो लोहे का अंश हमें मिलता है, या हम कहें कि 100% लोहे का अंश पाया जाता है, तो लौह इस्पात उद्योग को हम लौह धातु खनिज के अंतर्गत ले सकते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग जो है ये लौह धातु खनिज उद्योग के अंतर्गत आ गया। और इसी प्रकार से जैसे आपका तांबा उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है, ये आपके अलौह धातु खनिज उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ, हम लौह धातु खनिज के अंतर्गत बात करें तो जैसे टीन, बच्चों आप सभी को पता है कि टीन के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ जो है, मतलब एकमात्र उत्पादक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है पूरे भारत में, जिसका उत्पादन आपका मुख्य रूप से सुकमा जिले में किया जाता है। अब ये तो हो गई बात धात्विक खनिजों की या धात्विक खनिज पर आधारित उद्योग की। अब दूसरा इसका वर्गीकरण हम देखते हैं, अधात्विक खनिज या अधात्विक खनिज आधारित उद्योग। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे ग्रेनाइट है, संगमरमर है, या बलुआ पत्थर पर आधारित जो उद्योग होते हैं, ये सभी आपके अधात्विक खनिजों पर आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। बच्चों, तो ये सब जो हमने अधात्विक खनिज के अंतर्गत उद्योगों के उदाहरण लिए, तो इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे हमने ग्रेनाइट की बात की, तो आप अपने घर में जो ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फर्श पर बिछाने के लिए हो, या प्लेटफॉर्म पर लगाने के लिए हो, या कोई अलमीरा बनवाने के लिए, ये सब में हमें पता है कि हम ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी प्रकार संगमरमर की चमक जो है वो किसे आकर्षित नहीं करती, फिर इसी आकर्षण के चलते आप अपने इसे घर के सेंटर टेबल पे लगा लेते हैं, या आपके डाइनिंग टेबल का जो टॉप है वो भी आप संगमरमर का बना हुआ देखते होंगे। और ऐसे ही बहुत सारी सजावटी वस्तुएं या सामान जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता है,
ये हमें पता है कि परतदार चट्टानों के अंतर्गत मिलता है, और बाद में फिर इसे चिकना करके और ज़्यादा अधिक तराशने के लिए बहुत बड़े स्तर पर उद्योग की स्थापना की जाती है। और ये सभी, चाहे हम ग्रेनाइट की बात करें या हम संगमरमर की बात करें, हाँ साथ ही हम देखते हैं आपका जो घर बना होता है, उस घर को बनाने के लिए जिस ईंट का, रेत का इस्तेमाल होता है, कंक्रीट का इस्तेमाल आप करते हैं, ये सभी किसके उदाहरण हो गए? ये सभी जो हैं वो अधात्विक खनिज के उदाहरण होते हैं।